देवी सज्जनों नमस्कार, आप सभी दर्शकों का AstroEdify पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपने अगले भाव के बारे में जो कि है चौथा भाव, और इसमें हम जानेंगे कि चौथे भाव के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से भिन्न भिन्न व्यवसाय हैं जिनको चौथा भाव दर्शाता है। अभी तक हमने चर्चा की है तीसरे भाव तक, और ये जाना है कि कौन कौन से व्यवसाय तीसरे भाव के अंतर्गत आते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारी सीरीज चल रही है व्यवसाय को लेकर के, जिसके चार हिस्से हैं, जिसमें से दो हिस्से हम पूरे कर चुके हैं। पहला है राशियों के द्वारा व्यवसाय, और फिर है ग्रहों के द्वारा व्यवसाय। ये हमारा तीसरा हिस्सा जारी है जिसमें हम जान रहे हैं भाव के द्वारा व्यवसाय, और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे नक्षत्रों के द्वारा व्यवसाय। जब आप चारों हिस्सों के जो निष्कर्ष होंगे उनको सम्मिलित करके देखेंगे, तब आपको अपनी कुंडली से भली भांति और आसानी से, सबसे आसान तरीके से ये ज्ञात हो सकेगा कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए सबसे अच्छा व्यवसाय और सबसे अच्छा क्षेत्र जिसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन सा होगा। तो अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए जानते हैं चौथे भाव के ऊपर। और यदि आप ये नहीं जानते हैं कि वो कौन सा भाव है जो कि आपकी कुंडली में अति महत्वपूर्ण है आपके व्यवसाय को निर्धारित करने के लिए, जिससे ये पता चलता है कि आप कौन से करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और आप उस वीडियो में ये देख सकेंगे जिसमें मैंने ये तरीका बताया हुआ है कि जो मेथड है, आप अपनी कुंडली से कैसे वो भाव निकालें, कैसे वो भाव ज्ञात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके करियर को दिशा देने के लिए। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं आप आज के भाव के बारे में जो कि है चौथा भाव। तो शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि चौथा भाव आखिर क्या है, कैसा भाव है चौथा भाव। चौथा भाव होता है माँ का भाव होता है। चौथा भाव सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो चौथा भाव जो है मातृभाव कहते हैं उसको, यानी कि किसी भी यानी कि जो भी व्यक्ति है उनकी जो माँ है, जो माता है, उसको दर्शाता है। मदर का हाउस होता है चौथा भाव, और इसीलिए चौथा भाव दर्शाता है पालन पोषण को। जो भी नरिशमेंट होता है व्यक्ति का, बच्चे का, वो चौथे भाव से पता चलता है। तो जो बचपन है, जो चाइल्डहुड है, वो चौथे भाव से संबोधित किया जाता है। जो पालन पोषण होता है, जो व्यक्ति की अपब्रिंगिंग होती है, जैसा उसके संस्कार, उसकी मॉरल वैल्यूज होती हैं, वो चौथे भाव से पता चलती हैं। फिर चौथा भाव होता है व्यक्ति के घर का भाव, जहाँ वो रहता है, उसका घर, उसके इर्द गिर्द का वातावरण, तो वो चौथे भाव से पता चलता है। फिर चौथा भाव दर्शाता है आप भूमि का भाव होता है चौथा भाव। मतलब कि इन जनरल यदि हम बोलें तो लैंड यदि हम देखते हैं तो चौथे भाव से देखते हैं, क्योंकि चौथा भाव लैंड का भाव होता है, भूमि का भाव होता है। फिर ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारी जो पैरामीटर्स हैं, इनको जो है चौथा भाव संबोधित करता है। तो इससे जुड़े हुए सारे व्यवसाय वो चौथे भाव के अंतर्गत आएंगे। और चौथे भाव के दो ग्रह कारक होते हैं, मूल कारक होते हैं दो ग्रह, जो कि हैं चंद्रमा और शुक्र। तो जो भी व्यवसाय जो चौथे भाव के अंतर्गत आते हैं उनमें चंद्रमा और शुक्र की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो अब चर्चा करते हैं कि कौन कौन से वो व्यवसाय हैं, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जो कि चौथे भाव से संबोधित किए जाते हैं, और यदि चौथा भाव आपकी कुंडली के अनुसार वो महत्वपूर्ण भाव है जो कि आपके करियर को दिशा दे रहा है, उसका निर्धारण कर रहा है, तो आपके लिए सबसे उत्तम क्षेत्र कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में अब नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले वो सारे व्यवसाय जिनमें भी पालन पोषण की आवश्यकता है, जिसमें भी नरिशमेंट जुड़ा हुआ है, किसी भी ऐसे व्यक्ति की सहायता करना जुड़ा हुआ है जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनको बेसिक नेसेसिटीज़ जिनके पास नहीं है, बहुत आम सुविधाएं जो होती हैं उनसे वंचित हैं जो लोग, तो ऐसे सारे व्यवसाय जो कि इन चीज़ों से जुड़े होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि नर्सेस, डॉक्टर्स, केयर टेकर्स, बेबी सिटर्स,
ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि चौथे भाव से दर्शाए जाते हैं, क्योंकि इसमें आप किसी का पालन पोषण कर रहे हैं, किसी को नर्चर कर रहे हैं, किसी को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे व्यवसाय चौथे भाव के अंतर्गत आते हैं। चौथा भाव दर्शाता है दवाइयों को, मेडिसिंस को, क्योंकि मेडिसिंस क्या करती हैं, मेडिसिंस किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को ठीक करती हैं। तो किसी को किसी मुसीबत से बाहर निकालना, उसका लालन पोषण करना, वो चौथे भाव से देखा जाता है। इसलिए वो सारे व्यवसाय जो भी इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर चौथा भाव होता है आपके घर का भाव होता है। तो घर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं और जितने भी व्यवसाय जो भी घर के कार्य से जुड़े हैं, वो जो भी घरेलू कार्य से जुड़े हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे जो भी हमारे इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं वो चौथे भाव से दर्शाए जाते हैं। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, कपड़े की, जहाँ जो कपड़े के व्यापार करते हैं जो लोग, वो चौथे भाव से संबोधित किए जाते हैं। चौथा भाव दर्शाता है कोई भी घरेलू कार्य, तो ऐसे व्यवसाय जिनमें घरेलू कार्य करने पड़ते हों या घर की देखभाल करनी पड़ती हो, जैसे कि केयर टेकर्स हो गए, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसी संस्थाएं जैसे कि कोई बिजनेस करता है, मूवर्स और पैकर्स जो होते हैं, जो कि लोगों की मदद करते हैं जब उनको शिफ्टिंग करनी होती है किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो ऐसे जो व्यवसाय होते हैं वो चौथे भाव के अंतर्गत आते हैं। फर्नीचर का जो बिजनेस होता है, फिर क्योंकि फर्नीचर आप घर में ही रखते हैं, इसलिए जो भी घर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ों का व्यवसाय है वो चौथे भाव के अंतर्गत आता है। तो फर्नीचर का बिजनेस भी, फर्नीचर का जो व्यापार करते हैं वो भी चौथे भाव से संबोधित किया जाता है। फिर चौथा भाव दर्शाता है आपकी भूमि को, इसलिए भूमि से संबंधित जितने भी कार्य और व्यवसाय हैं वो चौथे भाव के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि रियल इस्टेट ब्रोकर्स, जो भी भूमि का लेन देन करते हैं, जो भी रियल इस्टेट एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर होते हैं, रियल इस्टेट एसोसिएशंस होती हैं, या रियल इस्टेट के बड़े बड़े व्यापार होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएँ होती हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। फिर चौथा भाव दर्शाता है आपके फैमिली बिजनेस को। दो ही भाव होते हैं पूरी कुंडली में जो कि फैमिली बिजनेस को दर्शाते हैं, एक होता है दूसरा भाव और दूसरा होता है चौथा भाव। तो ये दो भाव हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि कौन कि व्यक्ति फैमिली बिजनेस में जा सकता है कि नहीं, क्योंकि दोनों ही आपके परिवार को दर्शाते हैं, इसलिए फैमिली बिजनेस भी हम इसी से चौथे भाव से देखते हैं। फिर चौथे भाव से हमें ये भी पता चलता है कि कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में भी काम कर सकता है जिसमें उनकी मदर काम करती हों, ऐसी कोई संस्था जहाँ पे उनकी मदर ने काम किया हो, वहाँ पे भी कोई व्यक्ति यदि काम कर रहे हैं तो वो चौथे भाव से हम देख सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव माँ का भाव होता है। इसलिए इसके बाद चौथा भाव दर्शाता है होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, फास्ट फूड जो इंडस्ट्रीज जॉइंट्स होते हैं उनको दर्शाता है, क्योंकि चौथा भाव नरिशमेंट का भाव है, पोषण का भाव है। और पोषण हमें किससे मिलता है, खाने से मिलता है। यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, तो ग्रोथ नहीं होगी, पोषण नहीं होगा। इसलिए वो सारी इंडस्ट्रीज, वो सारे व्यवसाय जो कि पोषण प्रदान करते हैं वो चौथे भाव के अंतर्गत आते हैं। तो होटल्स, रेस्टोरेंट्स या कोई भी ऐसे खाद्य पदार्थ की उद्योग जहाँ पे जो भी खाने से जुड़ी हुई हैं वो भी चौथे भाव से दर्शाई जाती हैं। फिर चौथा भाव दर्शाता है शिपिंग को, और जल से संबंधित कोई भी संस्था या कोई भी कार्य को, क्योंकि चौथे भाव का जो मूल कारक है वो चंद्र है, और चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, चंद्रमा और शुक्र दोनों ही जलीय ग्रह हैं, तो जल से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो भी चौथे भाव के अंतर्गत आते हैं। चौथा भाव खेतीबाड़ी को भी दर्शाता है, एग्रीकल्चर को दर्शाता है, क्योंकि चौथा भाव भूमि का भाव है और पोषण का भाव है, तो जो खेती होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, वो दोनों का सम्मिलित रूप है। इसलिए जो भी व्यक्ति किसान हैं, जो फार्मिंग करते हैं, वो चौथे भाव से देखे जाते हैं। चौथा भाव शेफ्स को दर्शाता है, जो बड़े बड़े होटलों में शेफ होते हैं वो भी चौथे भाव से दर्शाए जाते हैं, क्योंकि शेफ क्या है, शेफ जो है आपको खाना देते हैं, खाना बनाते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो वो भी ऐसी चीज़ें, ऐसी व्यवसाय वो चौथे भाव के अंतर्गत आती हैं। एक और चीज़ है जो चौथे भाव के अंतर्गत आती है, पर ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, एक खास कंडीशन है, ये कोई व्यवसाय हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक कंडीशन बता रहा हूँ।
ये है, यदि आप किसी व्यक्ति की कुंडली में या कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली जब देख रहा है, ये जो कंडीशन है ये पॉलिटिशियंस के लिए वैलिड है, बाकी किसी और के लिए नहीं। क्योंकि चौथा भाव जो होता है वो जनता का भाव होता है, और जनता में जो आपके प्रति भरोसा है वो चौथे भाव से पता चलता है। तो यदि कोई व्यक्ति राजनीति से जुड़ा है तो उसे इलेक्शंस जीतने पड़ते हैं, उसे चुनाव जीतने पड़ते हैं, तो चुनाव के लिए जनता में विश्वास होना अति अनिवार्य है। इसलिए यदि जब भी चौथा भाव कमज़ोर होगा तो व्यक्ति का जनता भाव कमज़ोर हो गया, मतलब कि व्यक्ति राजनीति में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता क्योंकि वो चुनाव जीतेगा ही नहीं। इसलिए चौथा भाव सिर्फ और सिर्फ राजनीति में चुनाव के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पे हम राजनीति को भी ले सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए, अन्यथा किसी चीज़ के लिए यहाँ पे राजनीति की कोई स्ट्रैटेजीज नहीं देखी जाती हैं चौथे भाव से, वो हम दूसरे भाव से देखते हैं। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो ये थे भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय जिनको चौथा भाव संबोधित करता है और जिन्हें चौथा भाव रूल करता है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, ट्विटर पेज का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और हम अन्यथा आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाँचवें भाव के बारे में और ये जानेंगे कि पाँचवें भाव के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से व्यवसाय होते हैं और कैसे आप ये जान सकते हैं कि पाँचवा भाव यदि आपकी कुंडली में अति महत्वपूर्ण है तो कौन से क्षेत्र आपके लिए सबसे अच्छे और सबसे सफलता से भरे हुए साबित हो सकते हैं। तो तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार और धन्यवाद।